टूट सकता है। एनएच 143 पर बना एक डायवर्जन बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। देखिए सिमडेगा से ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। टूट सकता है झारखंड से ओडिशा का संपर्क। एनएच 143 पर एनएच विभाग की लापरवाही। एनएच की हालत देखकर आएगी आपको दया। झारखंड और ओडिशा को जोड़ता है एनएच 143। इस सड़क को मुंबई सड़क भी कहा जाता है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इस सड़क की स्थिति बताने के लिए काफी है। सिमडेगा के पंडरी पानी के पास इस एनएच के पुल का काम चल रहा है। यही पास में एक डायवर्सन बना है, लेकिन ये डायवर्सन ऐसा है कि कभी भी टूट सकता है। खुद एनएच के कार्यपालक अभियंता भी मानते हैं कि यहाँ खतरा है। पानी जो ओवरफ्लो होगा उसको कुछ सिग्नल बना दीजिए। सिग्नल का काम कर दिए हैं, अभी हम लोग को डायवर्सन को बचाना है। अभी बरसात का पानी इस भेंट से हम लोग निकल जा रहा है, लेकिन अब स्थिति है कि जो डैम का पानी खुलेगा वो पानी से पूरा डायवर्सन क्षतिग्रस्त हो सकता था, तो उसी पानी से बचाने के लिए डायवर्सन को हमको मजबूत करना है। उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग अप स्ट्रीम में पूरा बोल्डर पिचिंग करने जा रहे हैं, और अभी इसको हम WM से पूरा ऊंचा कर दे रहे हैं, डायवर्सन को पूरा मजबूत कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हो, और बरसात का पानी ओवर टॉप करेगा तो हम लोग चाह रहे हैं उसको ओवर टॉप करा लेंगे। खड़े हैं NH 143 में। ये सड़क रांची को उड़ीसा से जोड़ती है, ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और इसे मुंबई सड़क भी कहा जाता है। मुंबई तक जाने की सबसे कम दूरी की यह सड़क है, और यहाँ पर पुल जिसे बहुत पहले बन जाना था वो पुल डिले हुआ। यहाँ डायवर्सन की भी स्थिति बहुत ख़राब है। इस डायवर्सन के ऊपर पिचिंग का काम किया जाना था, इसे मजबूत बनाया जाना था, लेकिन नहीं किया गया। डैम का सारे फाटक जब खोले जाएंगे और पानी छोड़ा जाएगा तो ये डायवर्सन बह जाए। जो काम बहुत पहले की जानी चाहिए थी वो आज की जा रही है। न्यूज 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री।